हेलो दोस्तों, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, हम बताने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। सब्स्ट्रैक्शन पिछला वीडियो में बता दिए हैं, आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स बताएंगे। देखिए, इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स का मतलब हुआ कि होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका गुण क्या है, ये सब हमको बताना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स में प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी वन क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी वन क्या है, इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ होल नंबर। अगर ए बी होल नंबर होगा, ए और बी दो हमारा होल नंबर है, ए बी दो होल नंबर है, तो उसका इनटू मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन भी हमारा होल नंबर होगा। हिंदी में कहे तो उन दोनों का, ए और बी दो होल नंबर है तो उनका गुना भी हमारा होल नंबर होगा। जैसे ए इज इक्वल टू थ्री मान लिए, बी इज इक्वल टू फाइव मान लिए, तो ए इंटू बी मतलब ए गुना बी इज इक्वल टू थ्री गुने फाइव, या बोलिए थ्री इंटू फाइव, तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन, मतलब ये भी 15 जो आया ये भी हमारा होल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है। कहने का मतलब कि अगर होल नंबर दो होल नंबर को इंटू करेंगे तो तीसरा नंबर जो मिलेगा वो भी होल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि थ्री हमारा होल नंबर है, इंटू सेवन से किए 21 आया, ये भी हमारा होल नंबर है। मतलब होल नंबर को अगर हम इंटू करेंगे तो होल नंबर ही होगा। देखिए, ये दोनों हमारा होल नंबर है, होल नंबर, ये दोनों हमारा होल नंबर है। तो होल नंबर दो होल नंबर को इंटू करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, होल नंबर होगा। देखिए, उसी तरह से पहला बात समझ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी वन। क्लोजर प्रॉपर्टी वन में मतलब हम ये बात को समझा दिए आपको कि इफ ए एंड बी आर टू आर होल नंबर्स, दो होल नंबर्स है, ए और बी होल नंबर्स है, तो उनका प्रोडक्ट, उनका इनटू, उनका गुना जो भी कहिए वो भी हमारा होल नंबर होगा। जैसे ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू फाइव, तो ए इंटू बी थ्री इंटू फाइव ये 15 आया, 15 हमारा होल नंबर है। सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा कि इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब ए और बी दो होल नंबर है, दो होल नंबर है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। ये होगा कम्यूटेटिव लॉ का भी यह पालन करेगा, होल नंबर का इंटू। देखिए, तो इज ए इज इक्वल टू सेवन, बी इज इक्वल टू फाइव है, तो ए इंटू बी मतलब, या ए क्रॉस बी बोलिए, ए इंटू बी इज इक्वल टू सेवन इंटू फाइव 35, बी इंटू ए 5 इंटू सेवन इज इक्वल टू 35, दोनों केस में 35 आया, इसका मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आया। देखिए, तो ये होल नंबर्स का इंटू में क्या होता है कि होल नंबर का अगर इंटू हो रहा है तो वो होल नंबर का इंटू हमारा होल नंबर होगा, पहला बात। दूसरा बात कि वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। पहला बात कि क्लोजर प्रॉपर्टी वन में कि होल नंबर का प्रोडक्ट, दो होल नंबर का प्रोडक्ट भी हमारा एक होल नंबर होगा। दूसरा बात, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। आपको समझा दिए कि ए सेवन लिए, बी फाइव लिए, तो ए इंटू बी सेवन इंटू फाइव 35, बी इंटू ए फाइव इंटू सेवन इज इक्वल टू 35, मतलब दोनों हाल में वो 35 ही आ रहा है, इसका मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि 2 इंटू सेवन है और 7 इंटू टू, ये दोनों हमारा 14 ही होता है दोनों हाल में, तो हमारा a इंटू बी या b इंटू ए वही आएगा। या बोलिए कि 3 इंटू टू 6 हुआ, या 2 इंटू थ्री ये भी 6 हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू टू इज इक्वल टू 2 इंटू थ्री लिख सकते हैं। ये बात हुआ, देखिए कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है।
देखिए अगला हम इसका ये बताने जा रहे हैं आपको, अगला बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टी। देखिए अगला है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए जीरो का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर एवरी होल नंबर ए, कोई भी होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर ए के लिए, ए कोई भी हमारा होल नंबर है, वी हैव ए इंटू जीरो या जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो होगा। मतलब कहने का मतलब कि होल नंबर ए है, ए इंटू जीरो या जीरो इंटू ए वो हमेशा जीरो होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कि जीरो से किसी चीज में इंटू करेंगे तो वो हमेशा जीरो होगा, या जीरो से उसमें इंटू करें या उससे जीरो में इंटू करें। देखिए किसी होल नंबर से जीरो में इंटू करें या जीरो से किसी होल नंबर में इंटू करें, दोनों हाल में वो जीरो होगा। जैसे नाइन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू नाइन इज इक्वल टू जीरो, या दूसरा बात बोल लीजिए जीरो इंटू एट इज इक्वल टू जीरो, एट इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब कह सकते हैं जीरो इंटू एट इज इक्वल टू एट इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये भी आप कह सकते हैं कि हर हाल में जीरो होगा। दूसरा ये समझ गए, उसके बाद ये समझ गए कि जीरो से किसी में, जीरो से किसी होल नंबर में इंटू करने पर प्रॉपर्टी कहता है कि वो जीरो हो जाएगा। दूसरा मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन के लिए मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? फॉर एनी होल नंबर ए, वी हैव ए इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए। मतलब कहने के लिए किसी के भी लिए वन से अगर किसी चीज में इंटू करे तो वही चीज रहेगा। मतलब वो ए से वन में इंटू करे, मतलब कोई होल नंबर से वन में इंटू करे या वन से किसी होल नंबर में इंटू करे वो वही होल नंबर होगा। जैसे एट इंटू वन ये भी एट होता है, या वन इंटू एट वो भी एट होता है, या इज इक्वल टू एट, मतलब तीनों बराबर होगा। कहने का मतलब यहां पर जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, और मतलब देखिए यहां पर एक बात और, जैसे मान लीजिए कि सेवन एक होल नंबर है, इससे वन में इंटू किए, सेवन एक होल नंबर है इससे वन में इंटू किए, मतलब ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन का मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। देखिए सेवन से वन में इंटू किए तो ये सेवन ही आएगा, या वन से सेवन में होल नंबर में इंटू कीजिए ये भी सेवन ही आएगा। मतलब कहने का मतलब सेवन इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू सेवन इज इक्वल टू सेवन, मतलब वही होल नंबर आपको आएगा। ठीक है, अब दूसरा बात देखिए, समझ गए, एक से किसी चीज में इंटू करने पर वही चीज आता है, एक से अगर किसी होल नंबर पर इंटू करेंगे तो वही होल नंबर हमारा आएगा। ये चौथा लॉ बोलता है, तीसरा लॉ, चौथा लॉ, और पांचवा लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करेंगे कि तीन चीज अगर तीन होल नंबर हमारा इंटू में है तो ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। जैसे इफ ए बी सी, इफ ए बी सी आर एनी होल नंबर्स देन ए क्रॉस बी ब्रैकेट में क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस अंडर ब्रैकेट बी क्रॉस सी। मतलब कह सकते हैं ए इंटू बी अंडर ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इंटू बी इंटू सी अंडर ब्रैकेट। देखिए यहां पर पहला और दूसरा में ब्रैकेट है, पहला और दूसरा में ब्रैकेट है, यहां दूसरा और तीसरा में ब्रैकेट है, ब्रैकेट चेंज हो गया। मतलब ये कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल एक ले लीजिए, ए इज इक्वल टू टेन ले लीजिए, बी इज इक्वल टू हंड्रेड और सी इज इक्वल टू थाउजेंड ले लीजिए। देखिए ए इज इक्वल टू टेन, बी इज इक्वल टू हंड्रेड, सी इज इक्वल टू थाउजेंड ले लिए। तो अब देखिए ए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस, देखिए ए मतलब टेन, बी क्रॉस सी, बी का मतलब हंड्रेड अगुने थाउजेंड, ये क्या होगा? ये देखिए ये हो जाएगा टेन, टेन इंटू, देखिए
एक पर दो जीरो 100 × 1000 करेंगे तो एक पर 50 हो जाएगा। देखिए 50 मतलब 100 × 1000 करेंगे तो एक पर हमारा 50 हो जाएगा। और देखिए इसमें करेंगे फिर ये दोनों ब्रैकेट का इंटू कर लिए, उसके बाद 10 से करेंगे तो एक पर कितना जीरो हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। सिमिलरली 6 हो जाएगा। सिमिलरली देखिए 6 हो गया। सिमिलरली यहां पर और चीज हम बता रहे हैं, अब सेम टू सेम देखिए, सेम टू सेम यहां पर देखिए, अगर सॉरी ये ए क्रॉस ये सेकेंड पार्ट पहले कर लिए हैं, सेकेंड पार्ट पहले कर लिए हैं, देखिए ये सेकेंड पार्ट पहले कर लिए हैं, अब फर्स्ट पार्ट कर ले देखिए, तो ए क्रॉस बी ब्रैकेट इनटू सी मतलब ए क्रॉस बी मतलब कहने का मतलब 10 × 100 × 1000। देखिए 10 × 100 ये 1000 हो गया, और 1000 देखिए ये ब्रैकेट का इंटू किए तो ये 1000 हो गया, और फिर 1000 × 1000 मतलब एक पर 60 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इस पर ये किए, ये वाला किए तो भी एक पर 60, ये किए तो भी एक पर 60 मतलब 1,000,000, 1,000,000 इसमें भी आया, 1,000,000 इसमें भी आया, मतलब हर कंडीशन पर ये दोनों ब्रैकेट चेंज एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब किसी होल नंबर में ब्रैकेट चेंज करेंगे, अगर तीन होल नंबर इस तरह इनटू में है कि यहाँ पर पहला दूसरा में ब्रैकेट है इनटू तीसरा है, तो यहाँ पर अगर दूसरा तीसरा में हम ब्रैकेट दे दे ये कर दे तो दोनों हमारा हमेशा बराबर होगा। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर तीन होल नंबर इनटू में हो और फर्स्ट सेकेंड में ब्रैकेट हो तो वो ब्रैकेट को हम सेकेंड और थर्ड में लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम साबित कर दिए। देखिए अब अगला हम लॉ बताने जा रहे हैं, देखिए अगला है 6 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन में देखिए यहां पर समझिए, फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी तीन होल नंबर है, वी हैव देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि एक होल नंबर ए है, एक होल नंबर बी है, तीसरा होल नंबर सी है, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी, तो इस ए से बी में इंटू होगा, देखिए इस ए से इसमें भी इंटू होगा, इस ए से इस सी में भी इंटू होगा, इस ए से इसमें भी इंटू होगा, इस ए से इसमें भी, मतलब ए से बी में भी इंटू होगा, ए से सी में भी इंटू होगा। तो देखिए ए इंटू बी प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह यहां पर लिखेंगे ए इंटू सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मतलब अगर तीन होल नंबर है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसके एडिशन में काम करेगा, मतलब कि तीन होल नंबर्स है तो उस पर उस होल नंबर के एडिशन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगेगा। जैसे देखिए ए क्रॉस होल बी प्लस सी, तो इसमें क्या होगा, ये ए से बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए से इस बी में भी इंटू होगा प्लस ए में इस सी, ए से इस सी में भी इंटू होगा, देखिए दोनों में इंटू हो गया, ये लॉ हुआ। अब कंसीडर दी होल नंबर्स 16, 9 and 8। अब क्या होगा, 16 ये LHS पार्ट कर रहा है, ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 9 एंड सी इक्वल टू 8, ए बी सी, तो ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी ये कर दिए तो 16
और 9, 8, 17 इन दोनों को इंटू करेंगे 272 आएगा, 272 आएगा। देखिए अब क्या किए, इसे 16 इंटू 9 कर दिए, 16 इंटू 9 प्लस 16 इंटू 8 मतलब इससे इसमें भी इंटू, इससे इसमें भी इंटू, मतलब फर्स्ट में भी इंटू, 16 से फर्स्ट में भी इंटू, 16 से 8 में भी इंटू, तो ये हमारा कर दिए, बीच में प्लस दे दिए, तो ये इन दोनों का इंटू 144, इन दोनों का इंटू 128, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 272, मतलब दोनों हाल में इसमें भी 272, इसमें भी 272, तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, होल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। अब सब्स्ट्रेक्शन इसका बताएंगे तो हो जाएगा खत्म। देखिए अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्स्ट्रेक्शन, ओवर सब्स्ट्रेक्शन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्स्ट्रेक्शन, होल नंबर ओवर सब्स्ट्रेक्शन मतलब कि निगेटिव अगर वो माइनस हो तो उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है कि नहीं। अगर होल नंबर का देखिए, होल नंबर है यहाँ पर एनी होल नंबर्स ए बी सी, तीन होल नंबर है, वी है ए क्रॉस, इससे पहले बी प्लस सी था, यहाँ पर ए क्रॉस बी माइनस सी है, ये सब्स्ट्रेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, होल नंबर में सब्स्ट्रेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ये ए से इस बी में इंटू होगा, माइनस यहाँ पर प्लस होता था तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, मतलब ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए से इसमें भी इंटू, माइनस ए से इसमें भी इंटू, ए में भी बी में भी इंटू सी में भी इंटू, दोनों में इंटू होगा। तो कंसीडर होल नंबर, एक एग्जांपल देख लीजिए, कंसीडर होल नंबर्स 11, 6 एंड 4, ए हमारा 11 है, बी 6 है, सी 4 है, तो ये LHS लिए ए इंटू बी माइनस सी। देखिए 11 इंटू 6 माइनस 4, तो 11 इंटू 2, 6 में से 4 गया 2, ये 11 यहां पर आया, ये 6 माइनस 4 में से 6 में से 4 गया 2 हुआ, 11 दूना 22 हो गया। देखिए अब ये इसका ये पार्ट, ए से बी में भी इंटू, माइनस ए से सी में भी इंटू, मतलब 11 से 6 में भी इंटू, माइनस 11 से 4 में भी इंटू कर दिए, तो 11 6 66 मतलब 66, 11 4 जा 44, इसमें से इसको घटाए 22 आया। तो देखिए फर्स्ट में भी 22, सेकंड में भी 22, मतलब कहने का मतलब ये आपस में बराबर होगा, मतलब ये हमारा होल नंबर के लिए, होल नंबर अगर तीन होल नंबर दिया हुआ है उसका मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन वाला लॉ भी और सब्स्ट्रेक्शन वाला लॉ भी फॉलो करता है। तो समझ गए, तो इसी के साथ ये बात समझ गए कि हमारा होल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है, वो एडिशन में हो तो भी, सब्स्ट्रेक्शन में भी हो तो भी। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन का बात, होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन का बात खत्म होता है, इसीलिए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।